हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन टू आर प्रीवियस वीडियोस जहाँ पे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे वीडियोस बना रहे हैं इन प्लांट्स. ऑक्सिन्स हमने अपने पिछले वीडियो में करा था, इस वीडियो में वील टॉक अबाउट जिबलिन्स. ठीक है, अब वॉच द वीडियो टिल द एंड. लास्ट में सारे पॉइंटर्स बोर्ड पे होंगे जो आपके वन मार्क क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और नोट्स के लिए हेल्पफुल होंगे. ठीक है, जिबलिन्स, सबसे पहले टाइप्स ऑफ जिबलिन्स. जिबलिन्स एक फाइटो हार्मोन है, ये हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं. टाइप्स ऑफ जिबलिन्स. जिबलिन्स कैन बी जिबलिन 1, 2, 3, सो ऑन एंड सो फॉर. देर आर मल्टीपल टाइप्स बट द मोस्ट कॉमन is GA3, which is found in the plant. So these are the different types of gibbons. Now they are the main function. First of all, they mainly help in growth of internodes, or you can say elongation of internodes. You can quote the term elongation or growth of internodes. अब यहाँ पर मैं आपको simultaneously auxins और gibbons में difference भी बताती हूँ. auxins भी growth में help करता है, gibbons भी growth में help करता है, लेकिन जो auxin है वो basically auxin, gibbon. auxin जो है it helps in cell elongation. सेल वॉल में चेंजेस करके वो सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, इसलिए ग्रोथ में हेल्प करता है. और जो जिबलिन्स हैं वो हेल्प करते हैं इन इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स. इंटरनोड्स दैट मीन्स अगर प्लांट की बात की जाए तो ऑक्सिन्स इस तरह से ग्रोथ में हेल्प करेंगे ऊपर की तरफ, और जो ये प्लांट्स के ब्रांचेस के बीच में ये जो गैप होता है इसको हम इंटरनोड बोलते हैं. और इसकी इलोंगेशन, ये जो इंटरनोड है ये कितना बड़ा होता है, इसकी इलोंगेशन में जो हेल्प करता है वो है जिबलिन्स. ये मेन डिफरेंस है ऑक्सिन्स और जिबलिन्स में, कि ऑक्सिन्स दे हेल्प इन सेल इलोंगेशन एंड जिबलिन्स दे हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ द इंटरनोड. उसके बाद दे आर ऑल्सो फाउंड इन कॉन्सेंट्रेशन एट द एपेक्स रीजन एंड इंटरनोड्स. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में करा था, एपेक्स रीजन मीन्स द टिप्स. दे आर फाउंड एट द टिप्स एंड दे आर फाउंड एट इंटरनोड्स. ऑल्सो दे आर फाउंड इन बड्स इन सीड्स. ठीक है, प्रोड्यूस्ड एक्चुअली और फाउंड, यू कैन राइट एनीथिंग. नाउ दे ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, द ग्रोथ इन साइज ऑफ एनी ऑफ द फ्रूट, दैट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड बाय जिबलिन्स. देन दे ब्रेक, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, दे ब्रेक सीड डॉर्मेंसी. ब्रेक सीड डॉर्मेंसी एंड लीड टू जर्मिनेशन. अगर आप एक ग्राम सीड देखते हो तो उसको जब आप सोक करते हो पानी में तो उसको अगर दो चार दिन सोक करके रहते हैं वो स्प्राउट हो जाता है. सीड कोर जो है वो रप्चर होके उसमें से प्लूम्यूलर रेडिकल निकल जाते हैं, जर्मिनेशन हो जाती है. जो हम पैकेट में हमें चने मिलते हैं दैट इज़ द डॉर्मेंट सीड्स विच आर नॉट जर्मिनेटिंग. वो अपने डॉर्मेंट स्टेज में है वो सीड, लेकिन वो डॉर्मेंट से अब उस स्टेज से उसको हमें जर्मिनेटिंग स्टेज में लाना है, तो जो वो डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है हॉर्मोन दैट इज जिबलिन्स विच इज प्रोड्यूस इन seeds and it leads to breaking of dormancy of the seeds to undergo germination. Wo germination mein help karta hai. It is also used in some of the horticulture industries. Artificially used in horticulture universities. हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज आर द वंस जहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रो करे जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और पढ़ाया जाता है उनकी क्लोनिंग कैसे होती है, टिश्यू कल्चर कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी इट इज़ यूज. इट इज़ ऑल्सो यूज टू एनहेंस द
enhance, increase the longitudinal growth of dwarf plants. जो प्लांट्स हाइट में इतने बड़े नहीं हैं, उन ड्वार्फ प्लांट्स की लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल होता है लंबाई में, ग्रोथ में हेल्प कौन से हॉर्मोन्स करते हैं? जिबलिंस करते हैं. दे ऑल्सो इनक्रीज, दे आर ऑल्सो इस आर्टिफिशियली, दे आर ऑल्सो यूज्ड टू इनक्रीज द लेंथ एंड शेप ऑफ ग्रेप्स, फॉर दैट मैटर एप्पल्स ऑल्सो. ठीक है, तो ये कैसे, अगर आप जनरली पेड़ पे लगे हुए ग्रेप्स देखो, सपोज किसी के घर में ग्रेप वाइन है, तो जो वहाँ पे ग्रेप्स लगते हैं वो राउंड होते हैं, बट कई बार मार्केट में हमें जो ग्रोथ मिलते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, काफ़ी बिग एंड इलोंगेटेड. तो वो जो इलोंगेशन में ग्रोथ में ग्रेप्स की हेल्प करता है वो भी जिबलिन है. एप्पल्स भी, दे आर इंक्रीज इन साइज बाई यूजिंग दिस हॉर्मोन जिबलिन. दे आर ऑल्सो यूज, ना दिस इज समथिंग डिफरेंट, दे आर ऑल्सो यूज टू इन्हांस द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रेव इन मेकिंग बेवरेजेस. जो ब्रूइंग इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे बेवरेजेस बनते हैं, वहाँ पे बेवरेजिंग जब बनते हैं तो एक बीच में प्रोसेस होता है, माल्टिंग प्रोसेस होती है. तो जिबलिंस इज यूज्ड, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ब्रूइंग इंडस्ट्रीज टू इनहांस या स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ माल्टिंग. ठीक है, सो दिस इज इट, दिस इज अबाउट जिबलिंस, द टाइप्स ऑफ जिबलिंस, देयर मेन फंक्शंस, वेयर आर दे प्रेजेंट. दे हेल्प इन प्रमोटिंग फ्रूट ग्रोथ, दे हेल्प टू ब्रेक सीड डॉर्मेंसी एंड लीड टू जर्मिनेशन, यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज, लीड टू लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ ड्वार्फ प्लांट्स, इंक्रीज द लेंथ एंड शेप, समटाइम्स यूज आर्टिफिशियल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स एंड एप्पल्स, ऑल्सो यूज इन ब्रीविंग इंडस्ट्रीज टू इन्हांस और स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ माल्टिंग, इज दैट्स दिस ऑल फंक्शन आर परफॉर्म बाय जिबलिंस. ठीक है, सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वील बी टेकिंग अप टू हॉर्मोन्स मे बी, वी हैव स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड और साइटोकाइनेंस. सो कीप वॉचिंग, लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग. थैंक यू.